अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, आज हम डुप्लीकेट एंट्री इन एक्सेल को रिमूव करते हैं कि हमारे पास एक्सेल शीट में बहुत से डेटा हो और उस डेटा में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू हो, डुप्लीकेट्स रो हो, डुप्लीकेट्स कॉलम हो। हम डेटा से डुप्लीकेट कैसे रिमूव कर सकते हैं? रिमूव डुप्लीकेट एंट्री इन एक्सेल। तो हमारे पास पांच डिफरेंट वेज है कि हम डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करते हैं, लेकिन हम वो डिफरेंट मेथड जो है एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि हम सारे जो चार हमारे पास तरह की है, पांच है, हम इसको एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंग हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक वीडियो में आपको एक एक तरीका बताऊंगा। फिर आपको जो भी तरीका अच्छे लगे हो आप उसी तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करें। आइए देखते हैं, हम एक्सेल शीट में जाएंगे और वहाँ हम जो फर्स्ट मेथड है वो अप्लाई करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। देखते हैं, एक्सेल फाइल को ओपन करें। ये हमारे साथ एक्सेल जो शीट है वो ओपन हुआ और हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल से हम चाहते हैं कि हम डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो हम रिमूव कर सकें। ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हमारे पास ये टेबल है और इस टेबल में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज है, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो फर्स्ट मेथड ये है कि हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे या माउस के ज़रिए हम ये सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट टेबल सेलेक्ट करेंगे, बाद में हम डेटा टैब्स में डेटा जो आपको नज़र आ रहा है इनके ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर क्लिक किया तो फिर आप इधर जो आपको रिबन नज़र आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज, तो इधर हम रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू करेंगे तो फिर हमें ये जो मेन्यू खुल जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल है और माय डेटा है हेडर जो आपको नज़र आ रहा है, और फिर हमारे साथ नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें स्कूल है और टोटल एनरोलमेंट डे एसएस। तो आप देखिए स्कूल जो कॉलम में स्कूल है और दूसरा क्या है एनरोलमेंट, इन दोनों में से हम डुप्लीकेट निकालेंगे। तो हम ओके करेंगे, इधर ओके किया तो आप देख सकते हैं कि हमें मैसेज देगा कि 15 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 10 यूनिक वैल्यू रिमेन। मतलब जो टेबल हमारे साथ था इसमें 15 डुप्लीकेट वैल्यू थी, अभी वो कह रहे हैं कि 15 डुप्लीकेट वैल्यू थी, इसमें से हम 10 यूनिक वैल्यू हमारे पास बाकी रहेगी और 15 डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएगा। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक किया तो वो रिमूव हो जाएगा और जो हमारा यूनिक वैल्यू है जो इसमें डुप्लीकेट नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट वैल्यू है, सॉफ्ट टेबल है,
तो ये हमारे नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास यूनिक वैल्यू बाकी रहा, और जो हमारे पास डुप्लीकेट था वो रिमूव हुआ। तो ये हमारे था फर्स्ट मेथड टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम द डिजायर टेबल। डियर व्यूअर, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू।